देखे कि इनका मुड़ी में काला कपड़ा से ढक के गेंदा का माला, फूल का माला पहना दिया था, जूता का माला पहना के उसका नाक को तोड़ दिया गया था, पेरिस दे के इसका रंग किया गया है और गंगा जल से धोया गया है और इसको शुद्ध किया गया है। विनोद बाबू का जो ये मूर्ति है इसके ऊपर चप्पल का माला पहनाया गया था, काले कपड़े से इनको ढका गया था और लाल कलर का एक बैंड था जो कि इनके यहाँ पे बाजू में था। क्या कहना चाहेंगे विनोद बाबू? देखिए, झारखंड के निर्माता, झारखंड के लिए जो जिन्होंने संघर्ष किया स्वर्गीय विनोद बाबू, जो पूरे कोयलांचल नहीं पूरे झारखंड के सर्वमान्य नेता थे, और उनका स्टैचू में इस तरह का असामाजिक तत्वों के द्वारा जो इस तरह से अपमान किया है, काफ़ी दुखद है और जितना भी निंदा किया जाए वह कम है। और मैं सबसे बड़ा दोषी मैं जिला प्रशासन को मानता हूँ कि इतना बड़ा चौक है और यहाँ पर हमेशा लोग रहते हैं, हमेशा रात को 2 बजे भी हमेशा यहाँ पर गाड़ी चलता है, लोग हमेशा भीड़भाड़ रहता है, उसके बावजूद भी इस तरह का मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करना, तोड़फोड़ के साथ साथ जूता का माला पहना, कितना बड़ा अपमान है आप समझ सकते हैं। मैं अपने ओर से जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करें, नहीं तो पूरा समाज आंदोलित होगा और पूरा झारखंड उग्र हो सकता है। इसलिए मैं प्रशासन से पुनः मांग करता हूं कि उस पर कार्रवाई करें। किसकी साजिश हो सकती है? देखिए, ये तो जब तक दोषी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन असामाजिक तत्व वैसे लोगों का समाज में जो कहीं स्थान नहीं, जो इस तरह का हरकत करते हैं और पूरे समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वैसे लोगों पर यदि चिन्हित हो जाए तो निश्चित प्रशासन नहीं करवा, और यदि पकड़े जाए तो उस पर भी, यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है लेकिन वह भी काम नहीं करता, जिला प्रशासन के द्वारा लगाया वह भी काम नहीं करता, आप समझ सकते हैं प्रशासन कितना लापरवाह है। इस चुनावी माहौल में आप अचानक से यहाँ कब पता चला? और हमको जैसे ही पता चला हम कार्यक्रम में थे, लोगों के द्वारा मोबाइल से सूचना मिला और वैसे ही हम तुरंत आज पहुँचे, और अभी पूरा स्मारक समिति के सभी लोग भी हैं, सभी लोगों से बात भी कर रहे हैं और 8 लेन के अनुसार मूर्ति को थोड़ा शिफ्ट करना है, तो हम तुरंत जो कॉन्ट्रेक्टर है, जो अधिकारी लोग, उस पर बात करके उसको सुनिश्चित अच्छे ढंग पर शिफ्ट कराकर और ठीक ढंग से इनको फिर से पुनः हम लोग मान सम्मान देकर मूर्ति का स्थापित करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये है विनोद बिहारी महतो जो पढ़ोर लड़ो की नारा दिए और झारखंडियों को अपना अलग पहचान दिलवाए, यानी कि इनका बड़ा योगदान रहा है। एके राय, विनोद बाबू, शिबू सोरेन मिलकर अलग राज्य का गठन किए और JMM बनाए, अलग राज्य बना और धनबाद बोकारो नहीं पूरे झारखंड में इनकी अलग पहचान बनी, हर जगह चौक चौराहों में प्रतिमा लगी। उसके बाद इनके कल रात को जो फोटो में आप देखे होंगे, प्रतिमा में आप देखे होंगे कि जूता का माला और कपड़ा ढक दिया गया, कई धनबाद और झारखंड के दिग्गज नेता भी आए। जानने का प्रयास करते हैं, शुरू से हैं भाषा खतियान आंदोलनकारी है, मनोहर महतो है, सरपंच जी हैं, कौन कौन नेता आए, नहीं आए, क्या कुछ बात रखें और कैसे ये व्यक्ति थे विनोद बाबू? देखिए, सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि सुबह में जब हम लोग इधर घूमने के लिए आए हैं तो देखे कि इनका मुड़ी में काला कपड़ा से ढक के गेंदा का माला, फूल का माला पहना दिया था, जूता का माला पहना के उसका नाक को तोड़ दिया गया था। तो हम लोग आए तो देखे का है, तो जब सामने से आए तो देखे कि ऐसा ऐसा हरकत किया है, तो कहीं ना कहीं यह हरकत एक सोची समझी साजिश की तरह है, क्योंकि महोदा में भी इस तरह का घटना घटा है विनोद बिहारी महतो के यदि ऊपर स्टेशन रोड धनबाद में भी, और वहाँ बोकारो जिला के पुरलिया में भी रघुनाथ महतो का भी इस तरह किया गया। कहीं ना कहीं ये यदि मेन और ये कुर्मी नेता जो योद्धा है उन लोग पर ही टारगेट करके इस तरह का मानसिकता वाले लोग इस तरह का कर रहे हैं। तो हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि या इस तरह का जहाँ जहाँ प्रतिमा है वहाँ CCTV कैमरा लगाया जाए, उसके बाद कैमरा की व्यवस्था किया जाए और इसको तब अच्छा से हमारे महापुरुषों की सुरक्षा हो सकती है, ना तो हम लोग का महापुरुष को मिटाने का साजिश कर किया जा रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इसके कौन कौन नेता आए और यहाँ पर अभी तक? उसके बाद हम लोग का बगमारा भी विधायक जी ढुल्लू महतो जी भी आए हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिए, SP से बात किए हैं। उसके बाद हमारे टुंडी का विधायक मथुरा महतो भी आए हैं, उन्होंने ये SP से बात किए हैं। उसके बाद यहाँ जो धनबाद के विधायक है उन्होंने भी दुख प्रकट किया।
धनबाद के विधायक राय सिन्हा जी, उन्होंने भी खेत प्रकट करके एसपी से बात किए हैं, और हमारे यदि पूर्व विधायक जलेश्वर महतो भी आए हैं, और अभी फिलहाल हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जो गिरिडीह के सांसद है वो अभी आए हैं, गंगा जल चढ़ा उड़ा के धो धा के माल्यार्पण करके और गए, और सभी ने जिला प्रशासन को बोला कि ऐसा दोबारा घटना होना नहीं चाहिए, ये बहुत ही दुखद है, और सब प्रशासन से मांग किया कि इसको कौन किया है, सीसीटीवी कैमरा जांच किया जाए। लेकिन एसपी यदि डीएसपी साहब आए हैं, एसडीएम साहब आए हैं और थानेदार भी आए हैं, तो बोला कि सीसीटीवी कैमरा खराब है, जिस कारण से पता यदि चल पाया नहीं है, लेकिन उन लोग दुकानदार से पता कर रहा है, अगल बगल से जांच कर रहा है कि ऐसा मानसिकता लोग कौन है, अगर इनको चिन्हित करता नहीं है तो हम लोग अपने स्तर से चिन्हित करके उनको अपने स्तर से सजा देंगे। चलिए, तो ये पूरा मामला था कि क्या विनोद बाबू के साथ कल रात को होती है और कितने कितने लोग आते हैं, अभी देख सकते हैं इनका नाक भी तोड़ दिया गया, जो कि देख सकते हैं नाक को अभी ये क्या डाला गया है, ये पेरिस दे के इसका रंग किया गया है और गंगा जल से धोया गया है और इसको शुद्ध किया गया है, उसके बाद अभी पेंटर से भी हुआ है बात, इसको फिर से अच्छे से इसको फिर से पेंटिंग करके इसको मरम्मती करके इसको अच्छा से बैरिकेटिंग किया जाएगा। आप कहाँ से हैं? हम यही पांडरपाला के वासी हैं। क्या पता चला आप लोगों को? हम लोग को मॉर्निंग जो विनोद बाबू का जो ये मूर्ति है इसके ऊपर चप्पल का माला पहनाया गया था, काले कपड़े से इनको ढका गया था और लाल कलर का एक बैंड था जो कि इनके यहाँ पे बाजू में था। ये किसकी साजिश हो सकता है? किसकी साजिश नहीं, ये इतनी घटिया सोच किसकी हो सकती है ये कहना बड़ा मुश्किल, और जिनका भी है उनको लगता है वो पूरी तरह से असामाजिक तत्व है, एक ऐसे महापुरुष जो कि सिर्फ झारखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है, और अगर ऐसे प्रेरणा स्रोत के साथ ऐसा होता है तो ये बहुत ही मतलब निंदनीय नहीं, हम लोग के लिए शर्मनाक बात है, और फंडामेंटल राइट्स का जब उल्लंघन होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अगर हमारे संविधान में ये नियम है कि जब हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें आता है कि जो भी महापुरुष है जो देश के लिए बलिदान दिए या देश के लिए काम किए उनको आपको सम्मान देना पड़ेगा, और इसका अगर उल्लंघन हो रहा है तो इसमें देखा जाना चाहिए, ये हम लोग के लिए मतलब ये क्या दिखाना चाहते हैं विनोद बाबू को, इसमें आप देखेंगे तो पूरा मूर्ति में नाक पे प्रहार किया गया था, नाक कटने का मतलब कुछ और ही होता है, तो ये एक गलत मैसेज दिया जा रहा है और इस तरह का चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सही चीज़ को मतलब जो यहाँ का झारखंड का वासी हो चाहे कहीं का भी वासी हो वो विनोद बाबू को बहुत ही सराहनीय और एक महापुरुष मानते हैं और इस चीज़ का बिल्कुल भी आलोचना करेंगे वो। क्या आगे की आप कार्रवाई होने? प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ना कि जिसने भी चाहे वो प्लान्ड वे में हुआ या अनप्लान्ड वे में हुआ हो ताकि दोबारा करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े, क्योंकि आप एग्जांपल सेट करते हैं अच्छा काम करके और जो बुरा काम करता है उसको पनिशमेंट देके, तो एक ऐसा एग्जांपल सेट हो ताकि दोबारा ऐसा हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। आप जिस जगह पे खड़े हैं इससे 2 दिन पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 बच्चियाँ मर गई थी, प्रशासन ने क्या किया? आपका कैमरा है, आप यहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ से ये विनोद चौक से बिरसा मुंडा पार्क का जो है उसके आगे यहाँ पे 3-4-5 ऐसे स्कूल्स है, इंटरनेशनल स्कूल्स है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल से, तो रोज इतना आवाजाही होता है। लेकिन एक बात बताइए, ट्रैफिक विभाग क्या कर रहा है? यहाँ पे ट्रैफिक लाइट दिख रहा है क्या? एक चौराहा है, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट होना चाहिए ना, कब कौन किधर से आएगा किधर से जाएगा, तो एक्सीडेंट होना तो निश्चित है। एक स्पीडोमीटर लगाया जा सकता है ताकि स्पीड का नियंत्रण किया जा सके, सिर्फ लाइसेंस चेक करना जिम्मेदारी नहीं है, जितना भी गैर कानूनी काम हो रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है चाहे वो आचार संहिता में हो चाहे नॉर्मल टाइप में, वो नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है अभी लोकसभा चुनाव है, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है कुर्मियों का, जिस तरह से वोट बोला जाता है और कुर्मी समाज से आते हैं और एक झारखंडी का मान सम्मान की बात है? आप अगर ये सवाल कर रहे हैं तो हम इसका जवाब देना चाहेंगे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 वोट से हारे थे तो उन्होंने एक बात कहा था, लोग आएंगे लोग जाएंगे कुछ भी हो इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ठीक है, तो राजनीति कीजिए, हम राजनीति करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन राजनीति का भी एक दायरा था और उस दायरे को तोड़िए मत आप, ठीक है। विनोद बिहारी महतो कोई एक व्यक्तिगत मतलब ऐसा तो नहीं कि भाजपा के हैं या फिर कांग्रेस के हैं या फिर जेएमएम के, ये एक ऐसे महापुरुष है जो सबके लिए हैं, जो जनता के हित के लिए काम किया। आप जिस जगह पे जिस झारखंड राज्य में आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं उस झारखंड राज्य के है वो, ठीक है, और सिर्फ झारखंड के नहीं वो पैन इंडिया लीडर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि व्यक्तिगत मामला है तो आप इसको आप तो इस लेवल पे राजनीति मत कीजिए, ये गंदा राजनीति कहलाता है और डेमोक्रेसी के ऊपर ये काला धब्बा है अगर ऐसा हो रहा है तो। चलिए, ये थे कुछ लोग, इन लोगों का विचार आपने जाना जो पहुंचे थे आज विनोद बाबू के प्रतिमा के पास, और हमारे साथ राजा दास भी हैं, इनसे भी जानने लगते हैं क्या अब आप लोग इस तरह से देख रहे हैं जहां तहां मूर्ति तोड़ा जा रहा है।
देखिए कहीं ना कहीं घृणित मानसिकता और कहीं ना कहीं नीच सोच वाले इंसान अपने आपको परिचय दे रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं इस तरह के घृणित मानसिकता जो पूर्वजों के प्रति रखते हैं, जो हमारे झारखंड के प्रति रखते हैं। कहीं ना कहीं ये पूर्वजों का नहीं, पूरे झारखंड का अपमान है, पूरे झारखंडी आवाम का अपमान है, पूरे झारखंडी का अपमान है। क्या कहना चाहेंगे, जो ये राजनीतिक ये हुआ है कि कोई गुंडों या बदमाशों के द्वारा हुआ है? देखिए सुपर से लेकर ऊपर तक, चाहे वो गुंडा रहे, चाहे माफिया रहे, चाहे मवाली रहे, चाहे राजनेता रहे, चाहे राजनीति रहे, कोई भी रहे, इस प्रकार के अगर हथकंडिया अपनाते हैं तो इस प्रकार की कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार से गतिविधियां अपनाने के लिए दोबारा किन्हीं को सोचना पड़े। और अगर इस तरह की अपमान अगर बार बार होती रहेगी, अगर जिला पुलिस प्रशासन इस प्रकार से नाक कान के साथ साथ आंख में भी अगर तेल डाल के रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अनदेखा करने की अगर इस तरह की चाहत करेंगे तो झारखंड से तो लूटखंड बने गया। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को मिटाने का साजिश और हमारे अपने आप की अस्मिता को मिटाकर पूरे झारखंड को मिटाने की साजिश इस तरह की जा रही है, कहीं ना कहीं बहुत ये दुखद है और हमारे लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिला प्रशासन से आशा ही उम्मीद करते हैं कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और पुरजोर तरीके से कार्रवाई करेंगे, ताकि इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा कोई अपनाने के लिए सोचना पड़े।